हम सबकी नजर लग गई है। लक्ष्मी क्या हुआ? वीर भानु कहाँ है? वो तो मंदिर में खाना खिला रहा है। सुनो भानु, तुमसे जरूरी बात करनी है। रुको, बाकी लोगों को खाना परोस कर आता हूँ। बहुत जरूरी है। ए, जरा पकड़। क्या हुआ? अरे बोलो तो। बात क्या है? वो रमन अपने माँ बाप को लेकर मेरे घर आया है। तो फिर? ऐसे ही नहीं आया है, अपने रिश्तेदारों को साथ लेकर आया है शादी पक्की करने। मेरे घर वाले भी तुरंत मान गए और अब दहेज की बातें चल रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है भानु, मुझे बहुत। ए, शादी ही तो पक्की की है ना, हुई तो नहीं है ना, इतना डर क्यों रही हो? शादियां तो मंडप में भी रुक जाती है। अगर वहां तक गए भी ना तो मेरे साथ पूरा गांव आ जाएगा, तुम्हारे साथ शादी की मांग करेंगे। क्या होगा इससे? 14 सालों से हमारी सीता माता को तुम्हारे गांव वाले नहीं ले जा पा रहे हैं, तो हमारी शादी होना भी इतना आसान नहीं होगा। नहीं नहीं, उसका इससे क्या संबंध है? तुम्हारे पापा को मनाऊंगा कहाँ ना मैंने? मेरे पापा के बारे में जानते क्या हो तुम? हमेशा अपने लोगों की ही बातें करते हैं वो, खुद के अलावा किसी की बात नहीं मानते, तो तुम्हारी क्या सुनेंगे वो? तुम्हारे गांव का नाम सुनते ही गुस्से से भड़क उठते हैं, ऐसे में हमारी शादी के लिए कैसे राजी होंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये सब बातें सोचते हुए पागल हुई जा रही हूँ। अगर वो हमारी शादी के लिए राजी नहीं हुए भानु, तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। गधा ये तो पता था, लेकिन इतना बड़ा गधा ये नहीं पता था। ये क्या बात कर रहे हैं पापा? ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने? लक्ष्मी मुझसे प्यार करती है, मैं भी लक्ष्मी से प्यार करता हूँ, वो रमन इसको बीच में देखने आ गया, रमन से मेरी शादी हो गई तो मैं मर जाऊंगी, ऐसा कहकर इसने मुझे डरा दिया, इसलिए मैंने इसके गले में मंगलसूत्र पहना दिया। गलत क्या किया? प्यार करना कुछ गलत नहीं है, शादी करना भी गलत नहीं है, लेकिन ऐसी शादी करना गलत है। उसके घर वालों को बिना बताए शादी कर लेना एकदम गलत। तो और क्या करता? मैं आपकी लड़की से प्यार करता हूँ, मेरी इससे शादी करवा दीजिए ऐसे गिड़गिड़ाता तो शादी कर देते। तो अब तू सोच रहा है कि वो लोग शादी के लिए राजी हो जाएंगे? और कोई चारा नहीं है, उन्हें राजी होना पड़ेगा। उस फैमिली के बारे में मैं जानता हूँ, आप छोड़ दो। क्या जानता है? पता है पापा। क्या पता है? वो एक बकवास फैमिली है पापा। बंद कर। तुझे पता है तू क्या कह रहा है? मैं बताता हूँ तुझे, दुर्गा प्रसाद लक्ष्मी के पापा हैं ये जानता है तू, लेकिन तेरी माँ के सगे भाई हैं ये जानता है तू? लक्ष्मी से शादी करने की तैयारी तो कर ली, लेकिन कभी सोचा कि इससे शादी की इजाजत इसके पापा तुझे देंगे? हमारे रिश्तेदार यहीं रहते हैं, लेकिन हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलते, जानता है क्यों? नाना जी, नानी जी, बड़े मामा, बड़ी मामी, छोटे मामा, छोटी मामी, ये कहकर कभी तूने पुकारा है? जानता है इन सब का कारण कौन है? मैं हूं बेटा। आज का ये सीताराम 25 सालों पहले वीरभानु था, दिखने में ही नहीं आदतों में भी तेरे जैसा ही था। मैं अच्छे खानदान में पैदा हुआ, पला बढ़ा, लेकिन नाटकों का भूत सवार था। एक बार श्री राम नवमी उत्सव पर हम सभी वेंकटपुरम आए थे, उस समय भी सबसे बड़ा घर तुम्हारे मामा जी का ही था। उन सब की प्यारी बहन थी तुम्हारी माँ, बहुत ही लाड़ प्यार से पली बड़ी। अरे दुर्गा, लंका दहन का नाटक है, बहुत अच्छा होगा, देखकर चलते हैं। ये नाटक का क्या भूत है तुम्हें? मुझे मुंह पर रंग पोतने वाले पसंद नहीं, पता है ना तुम्हें? कोई नाटक वाटक नहीं, चलो चलो। मैंने भी कभी नाटक नहीं देखा भैया। क्यों माँ, तुम चुप नहीं बैठोगी ना? ठीक है बहन, जाओ लेकिन संभल के आ जाना। थोड़ी देर सब्र कर दादी माँ।
नाटक भी देखने नहीं देती रजनी, इसे लेकर जा। मुझसे नहीं होगा, मुझे बहुत डर लगता है, अंधेरा है। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए जा, डर नहीं लगेगा। जाओ। दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है। हाँ मुझे भी तो डर लग रहा है, जा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस देव लोक को उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा। ए, तुम्हें मजाक लग रहा है? श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। चल चल भाग जा। श्री राम जय राम जय राम। मैं जब भी हनुमान का रोल करता हूँ तो कुत्ते ऐसे मेरे पीछे पड़ जाते हैं। जल्दी आ, आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। ये तुम्हारी हिम्मत, हमें देखकर तुम्हें भय नहीं होता? भय? और हमें? हम अतुलित बल संपन्न है और अति पराक्रमशाली है। अरे कहाँ ले जा रही हूँ माँ? क्या तेजस्वी रूप है, ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात स्वयं रामचंद्र जी बैठे। स्वामी आज आप सभी हमारे घर भोजन के लिए आइएगा। सबरी बुलाएगी तो अवश्य आएंगे। आइए, ये घर अद्भुत है। आहा, घर का भोजन अद्भुत। तुम वहाँ क्यों बैठे हो? भोजन के लिए बुलाया है तो मैं। बुलाया तो कहीं भी बैठ करके खाने लगोगे क्या? सब लोग नीचे बैठे हैं, दिखाई नहीं देता? सीताराम जी यहाँ बैठिए। अगले श्री राम नवमी उत्सव पर ही आएंगे। मतलब अगले साल? सुनिए, आपके साथ एक और थे ना, वो नहीं आए? कौन से वाले? घुंघराले बाल वाले, गोरे से जो थे। वो सुरेश जी ना? हाँ। उन्होंने नाटक करना छोड़ दिया बैन। प्रतीत होता है हमें देखने आई हैं। कब से हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं? पूरे एक साल से। उस दिन से तुम्हारी माँ नाटक के बजाय मुझे देखने ज्यादा आया करती थी। उस श्री राम उत्सव में हम बहुत ही नजदीक आ गए थे, हमारी पहचान प्यार में बदल गई। मुंह बंद कर। तुम्हारी इतनी हिम्मत उठाएगा? क्या बोल रही हो तुम? मैं इसे घर भी नहीं बुलाना चाहता था और तू इसे घर का दामाद बनाना चाहती है? जरा मेरी बात भी कोई सुनिए। क्या सुने तेरी? है? तेरी औकात की मुझसे बराबरी करे? गांव गांव नाटक करके पेट भरने वाला भिखारी मेरी बहन से शादी करेगा? नाटक नाम के भूत और अभिनय के अलावा मेरी भी औकात है जी, हमारी भी जायदाद है, मेरा भी बहुत बड़ा घर है। लेकिन इसने मुझसे कुछ पूछा नहीं, सिर्फ मुझसे प्यार किया, बस वही मुझे पसंद आया। बताया जी, घर में बिना बताए शादी नहीं करनी मुझे बताया, आप सभी के सामने शादी होनी है ये भी बताया, इसलिए चाहे जो हो सब कुछ सोच समझ कर ही आया हूँ जी। तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब ये मेरे पति हैं। पति हैं? मंगलसूत्र पहनते ही पल भर में इतनी बदल गई तुम? सीने से लगा कर पाला था तुम्हें, बहुत अच्छी सीख दी है तुमने। हम सब की बेइज्जती करके सबके सामने शादी कर ली। शादी हो गई ना? जाओ यहाँ से, जाओ, जाओ यहाँ से। चुप, बीच में कोई बोलेगा तो काट डालूंगा। जाओ। चलो अपने घर चलते हैं। देख लिया। अरे चलो चलो, अरे जल्दी करो जल्दी। अरे सीताराम चलना नहीं है क्या, जल्दी करो। हाँ आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। सुनिए जी, हम इस गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे। उनकी बात का मैंने जवाब दिया, इसीलिए मेरे भैया हमसे नाराज हो गए, वरना मुझसे वो दूर नहीं रह सकते। किसी ना किसी दिन वो हमें लेकर जाएंगे, मुझे भरोसा है। और तब तक हम इसी गांव में ही रहते हैं जी।
तुम्हारी माँ की इच्छा सुनकर अपने शौक नाटक को छोड़कर इसी गांव में बस गया मैं। और कुछ दिनों बाद तुम अपनी माँ के पेट में आ गए। एक दिन घनघोर बारिश हुई और तुम्हारी माँ को अचानक प्रसव दर्द शुरू हो गया। सुनिए जी, क्या हुआ रजनी? सुनिए ना, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, पास की चाची को एक बार बुला लीजिए ना। अब कैसे रजनी, गली के सभी लोग मंदिर के जागरण पर गए हैं, डॉक्टर ने तो सुबह बुलाया ही है, थोड़ा दर्द सह लो। अब दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, किसी को बुला लीजिए। तुम पहले लेट जाओ, लेटो लेटो, देखो मैं जाकर देख के आता हूँ, घबराना मत, अभी आता हूँ। सुनिए अनुराधा चाची, बाप रे, सुनिए जी, चाची जी, अमला जी, कोई नहीं है क्या? सुनिए जी, मुझे ये दर्द सहा नहीं जा रहा है, किसी को बुला लीजिए। अभी आता हूँ, बस अभी आता हूँ, आता हूँ मैं। दादी माँ, मेरी पत्नी पेट से दर्द से चिल्ला रही है, जरा चल कर देखिए ना। देखिए दादी माँ। अरे रे, प्रसव समय हो गया है, तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है क्या? बहुत से लोग। कोई नहीं है दादी। हे भगवान, समय बहुत नजदीक आ गया है, तुम बाहर जाओ बेटा, मैं देख लूंगी। मर्दों को यहाँ नहीं रुकना चाहिए, मेरी बात मानो बेटा, तुम बाहर जाओ मैं देख लूंगी, इसे कुछ नहीं होगा, मैंने कहा ना, तू जा बेटा बाहर जा, मैं देख लूंगी, जोर लगा, कुछ नहीं होगा बेटा, कुछ नहीं होगा, जोर लगा, हाँ और जोर लगा, हाँ ठीक हो जाएगा, चिंता मत कर बेटा, सब ठीक हो जाएगा, थोड़ा सा दर्द होगा बेटी, दर्द सहन कर ले, जोर लगा बेटा, जोर लगा, कुछ नहीं होगा, हाँ थोड़ा सा सहन कर ले बेटी, थोड़ा सा सहन। सुनिए जी, और जोर लगा। क्या हुआ है बेटा? बेचारी को बहुत परेशानी हुई, दुश्मनों पर भी ऐसी मुसीबत ना आए बेटा। हमने गलती कर दी रजनी। ये क्या कह रहे हैं जी? इतने बड़े घर में तुम्हारी चाचियां, भाभियां, माँ, सभी के सामने पैदा होने वाला बच्चा ऐसे अनाथों की तरह पैदा हुआ है। किस बात का डर है जी? कुछ हुआ तो नहीं? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हुआ नहीं, लेकिन अगर कुछ हो जाता तो कितनी बड़ी गलती कर दी, अब समझ में आ रहा है। प्यार करने की कई कोशिशें की, लेकिन बड़ों को मनाने की एक भी कोशिश की हमने, शादी में जल्दबाजी की, उस जल्दबाजी का सबक ऐसे भोगना पड़ेगा सोचा भी नहीं था। ऐसी स्थिति कभी हमारे बच्चे पर नहीं आनी चाहिए।